हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। एपीयू का एग्जाम हुआ है और उसमें जीएस के पेपर का हम लोग देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं और साथ ही साथ में डिस्कशन कर लेंगे आखिर में क्या क्वेश्चंस हैं, उसके क्या आंसर्स हैं और क्या लिखना चाहिए था। ये डिस्कशन हालांकि एपीयू वाले एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन जो बाकी और भी एस्पिरेंट्स हैं जो बेसिकली सिविल सर्विसेज या फिर प्रोविंशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, इक्वली गुड डिस्कशन होगी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस एक्चुअली जो कि पूछे गए हैं एपीओ के एग्जाम में। इसमें अगर वन बाय वन क्वेश्चन के बारे में देखा जाए तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिटिकली एग्जामिन द क्रिटिकली एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो देखिए ये वही CAA वाला ही पूरा का पूरा क्वेश्चन है जिसको लेकर के पूरा कह लीजिए कि धरने प्रदर्शन वगैरह हुए थे, तो इसके सारे प्रोविजंस को आपको लिखना था, तो वन बाय वन करके आपको लिख देना था। इसमें कोई खास ऐसा बात नहीं है, आप सिंपली इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इस इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे कि जो सिटीजनशिप क्लॉज है ये हमारे कह लीजिए कि जो होता है पार्ट नंबर 2 में लिखा गया, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो शेड्यूल मतलब कि प्रोविजन है मतलब कि आर्टिकल है, आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है और इसी में चेंजेस वगैरह किए गए, इन चेंजेस के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई गई है और जो अमेंडमेंट्स है फिर आप फटाफट जो होता है बॉडी स्टार्ट करेंगे एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग द अमेंडमेंट्स वन बाय वन करके, जो भी अमेंडमेंट्स की गई है उन सारे अमेंडमेंट्स को लिख देंगे। इसी के साथ जो क्वेश्चन किया गया है क्वेश्चन नंबर 1B है, एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली व्हाट डज आर्टिकल 35A। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 और आर्टिकल नंबर 35A इन तीनों को इनवैलिडेट करार दे दिया गया है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं गया बस इनवैलिडेट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ द सेक्शन प्रोविजन ऑफ 370 सब क्लॉज 2, उसकी सहायता से इसको इनवैलिडेट करके इस पूरे के पूरे आर्टिकल का मतलब खत्म कर दिया गया। तो आपको बस सिंपली बताना था व्हाट डज आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज, तो ये क्वाइट ऑब्वियस और यही आपका इंट्रोडक्शन भी बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सिंपली आप लिख देंगे कि आखिर में व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग अबाउट आर्टिकल नंबर 35A। इसके बाद से आप बता देंगे व्हाई इट वाज रिमूव्ड इन ऑन 5 अगस्त 2019, वो इसलिए कह देंगे आप। अब यहां पर आप मेन बॉडी पे आ जाएंगे, यहां पे आप चीजों को बता देंगे लाइक द कंडीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आप कंडीशन ऑफ J&K के बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद से आप बता देंगे ड्रॉबैक्स ऑफ हैविंग ए स्टेट या फिर ड्रॉबैक्स बिहाइंड आर्टिकल 35A, ठीक है, जो इसको सुप्रीमेसी देती थी या कह लीजिए स्पेशल स्टेटस देता था, उस स्टेटस के कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल नहीं कर पाती थी, डायरेक्टली रूल इन द सेंस डायरेक्टली गवर्न नहीं कर पाती थी इस पूरे के पूरे जो स्टेट है उसको, और इस वजह से कह लीजिए कि जो होता है न्यू एक्ट लाया गया और उस एक्ट के जरिए इस स्टेट का बाइफर्केशन कर दिया गया और दोनों को यूटी में, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, एंड दिस इज हाउ द थिंग हैज बीन डन। तो यहां पर लिखा देंगे क्या चीज है, व्हाई इट वाज रिमूव्ड, तो आप बता देंगे कंडीशन ऑफ द J&K, दूसरी ड्रॉबैक्स बिहाइंड 35A, तीसरी आप बता देंगे स्ट्रैटेजिक लोकेशन, दिस इज एक्चुअली द स्ट्रैटेजिक लोकेशन, मतलब कि ये जो है वो बॉर्डर है, बॉर्डर इन द सेंस कि इंडिया पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर लगता है एंड दैट इज व्हाई, एंड साथ ही साथ में चाइना अक्साई चीन, एंड दिस इज व्हाई दिस स्टेप हैज बीन टेकन, और इस वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम किया गया था। तीसरी चीज, चौथी चीज आप ये कह सकते हैं कि यहां पर टेररिज्म का खतरा रहता है, टेररिज्म तो हमेशा इस वजह से इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है बिकॉज ऑफ द टफ टोपोग्राफी, तो ये कुछ कंडीशंस है जो आप यहां पर लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही शॉर्ट आंसर आपको लिखना है क्योंकि यहां पर 200 वर्ड के अंदर अंदर में इसको खत्म करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बुलेट पॉइंट्स कोट करने पड़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम आंसर यही होने वाला है। इसके बाद से आप आ जाएंगे व्हाट इज इट्स लाइकली इंपैक्ट ऑन फ्यूचर ऑफ J&K, यहां पर आप चीजों के बारे में क्या बताएंगे कि इसमें एक्चुअल में क्या इंपैक्ट है, तो इंपैक्ट में आप बता देंगे कि भाई सिंपल सी बात है जो जो कंडीशंस यहां पर आपने लिखी हुई है इसी का आप इम्प्लीकेशन बेसिकली बता देंगे, लाइक कंडीशन ऑफ J&K नाउ यहां पर जो है अब ज्यादा अच्छे से गवर्न किया जा सकता है, गवर्नमेंट अच्छे से हो सकेगी पहली चीज, दूसरा टूरिज्म को और अच्छा आप कह लीजिए कि बल मिलेगा, इसके अलावा आप कहीं पर भी मतलब जो रियल मीनिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 35 आर्टिकल नंबर 19 का जो रियल मीनिंग है वो आप सामने निकल के आया, एंड दिस इज हाउ जो रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी वो रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म हो जाएंगे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द रोमिंग घूमने उमने के चक्कर में बल्कि
द मैरिज एंड ऑल द थिंग्स जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी को लेकर के सब कुछ अब स्टार्ट किया जा सकेगा. तो इस वजह से अगेन इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. फिर आप बता देंगे टेररिज्म, अगेन इस पे काफी अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है बिकॉज अब ये यूटी है. सो जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, दे कैन बी डिप्लॉयड वेरी इजिली एंड दे कैन ऑब्वियसली वर्क देयर, दे कैन फंक्शन इफेक्टिवली. और इस तरीके से जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है उसको आसानी से इसे देखा जा सकता है. स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अगेन, तो हमें जो भी एक्शन लेने पड़ेंगे ऑब्वियसली जो सेंटर स्टेट के बीच में जो डिसीजन मेकिंग और दोनों के बीच में जो हसलप होती थी, प्रॉब्लम्स होते थे, जो फ्रिक्शंस थी, वो फ्रिक्शन ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी एंड सेंटर कैन टेक द एक्शन वेरी इजिली एंड वेरी इफेक्टिवली. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है विदाउट डिले. तो ये बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम लिख देंगे एंड दिस इज हाउ द इट्स इंपैक्ट इज गोइंग टू बी देयर इन द जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन यहां पर आप एक और सिस्टम बता देंगे कि जो एस्पिरेशंस ऑफ द लोकल पीपल हैं वो अगेन देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट दे गो अनहर्ड, वो अनसुनी की जा सकती है. इसके अलावा जो यहां पर डोमिनेंट पीपल हैं दे कैन कंट्रोल द माइनॉरिटी पीपल विच इज देयर इन द स्टेट. तो इस तरीके से यहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लिख करके आप जो है इस तरीके से बैलेंस करके आंसर लिख सकते हैं. आगे अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, तो अगेन देखिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन था और मैं कहूंगा कि काफी सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड है और नियर अबाउट सिक्स मंथ के ही, पास्ट सिक्स मंथ के ही क्वेश्चन को लिया गया है. इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो यहां पर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया नेपाल के बारे में बात की गई है, लेकिन केवल और केवल आपको बॉर्डर इश्यूज लिखने हैं. तो आप कैसे इंट्रोडक्शन लिख देंगे? आप सिंपल इंट्रोडक्शन शुरू कर देंगे और बता देंगे कि इंडिया और नेपाल के बीच में कैसे रिलेशंस है. तो इंडिया नेपाल ये जो है वो 1950 से पहले ही जो है एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके रखे हुए हैं एंड इस फ्रेंडशिप ट्रीटी के अंडर में ही ये बोला गया है कि देयर विल बी पोरस बॉर्डर्स. ये जो बॉर्डर्स होंगे वो पोरस बॉर्डर्स होंगे. साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लिया गया है कि दोनों कंट्री के जो लोग होंगे दे कैन अवेल द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ एनी कंट्री. इनफैक्ट डिफेंस में भी इनको जगह दी गई है. बाकी इसके अलावा प्रॉपर्टी भी आकर के ये लोग खरीद सकते हैं, जॉब कर सकते हैं. मतलब ये है कि बिना वीजा, विदाउट वीजा जो है ये कोई भी काम कर सकते हैं इंडिया में आकर के, बजाय वोटिंग छोड़ करके ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. बाकी सारा का सारा सिस्टम इनको दिया गया है. तो दिस इज हाउ आप पहले स्टार्ट करेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में. बट अगेन यहां पर स्टार्ट करेंगे देयर आर सम इरिटेशंस, और ये इरिटेशंस कौन कौन सी हैं? दीज इरिटेशंस आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑफ नेपाल एंड द एनिमी ऑफ इंडिया, दैट इज द चाइना. यहां पर आप चाइना फैक्टर के बारे में लिखा देंगे क्या, ठीक है, चाइना कंटिन्यूअसली जो है इनके ऊपर में प्रेशर या कुछ अट्रैक्शन देता रहता है विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया. बट अदर देन दीज इरिटेंट देयर आर अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो विच आर एक्चुअली रिलेटेड विद बॉर्डर इश्यूज. अब बॉर्डर इश्यू में जब आप आ जाएंगे सबसे पहले आप बता देंगे हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया एक्चुअली मेक अ कॉमन बॉर्डर विद द नेपाल, तो पहले आप ये बता देंगे. फिर अल्टीमेटली बॉर्डर इश्यू में आ जाएंगे और ये सारा कुछ आपको कंप्लीट करना है विद इन 30 to 50 words. अब इसके बाद से आप आ जाएंगे द मेन इश्यू ऑफ उत्तराखंड, जो उत्तराखंड की मेन इश्यू है काला पानी को लेकर के, या जो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है उनको लेकर के आप यहाँ पर दोनों सिस्टम के बारे में बता देंगे. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर लिख देंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द डिस्प्यूट. इसके बाद है हाउ दिस डिस्प्यूट विल इंपैक्ट इंडो नेपालीज रिलेशन ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल एरियाज. तो आपने यहाँ पर जो है जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर दिया, बता दिया. अब इसके बाद से आप बताएंगे किस तरीके के रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन क्या होने वाले हैं. तो पॉलिटिकल रिलेशन में आप सिंपली बता देंगे कि जैसे नेपाल और इंडिया के बीच में जो बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशंस है दे आर इन अ कोल्ड बैग. तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है. जो इरिटेशंस है वो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिकॉज इन केस ऑफ इरिटेशन विद इंडिया नेपाल मे अलाइन विद चाइना एंड दिस विल बी डिजास्ट्रस फॉर इंडिया बिकॉज नेपाल एक्ट एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इस वजह से नेपाल को अपने फेवर में करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. इसके अलावा बता देंगे यहाँ पर जो नेपाल के लोग हैं ये अगेन कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं. इनफैक्ट इन द हिस्ट्रीज ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो नेपाली पीपल दे आर एक्चुअली फ्रॉम इंडिया, और
बाद में जो है कॉलोनियलिज्म होता है और इस तरीके से जो कॉलोनियल पावर्स है वो नेपाल को भी जाकर के इंटरफियर करती है, उनको भी कॉलोनाइज करती है और इस तरीके से जो है वो नेपाल की टेरिटरी को सेपरेट आउट कर दिया जाता है एज अ सेपरेट नेशन। बाकी इंडो नेपाल वॉर वगैरह हुआ था बट दैट इज अगेन नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर बिकॉज दिस क्वेश्चन डज नॉट एड्रेस दोज डिस्कशंस। तो यहां पर आप पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में बता देंगे। नाउ द सोशियो थिंग, सोशियो थिंग में आप बता देंगे यहां पर कि एक्चुअली जो है कह लीजिए कि जो मधेशी पीपल है दे आर एक्चुअली बिलोंगिंग फ्रॉम द इंडियन सॉइल एंड दे हैव नॉन नेशनैलिटी ऑफ द नेपाली पीपल बट दे हैव कल्चरल एंड मैरिटल रिलेशंस विद द इंडियन पीपल एंड दिस इज हाउ द सोसाइटल रिलेशंस विल इम्पैक्ट। अगर जो है मान लीजिए बॉर्डर पे प्रॉब्लम होती है तो अगेन जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जो है एक नेपाली पीपल थे, नेपाली ब्राइड्स एंड इंडियन साइड के जो ग्रूम थे इन दोनों के बीच में रिलेशंस थे और वहां पर फिर जो है कह लीजिए कि वायलेशंस देखने मिले थे, मतलब वहां पर गोलीबारी वगैरह हो गई थी जिसके कारण से अगेन जो है प्रॉब्लम हुई थी। तो दिस काइंड ऑफ सोशियो प्रॉब्लम्स कैन बी सीन, कैन गेट इम्पैक्ट थ्रू दीज डिस्प्यूटेड रिलेशंस। इसके बाद आप इकोनॉमी के बारे में बता देंगे कि मोस्ट ऑफ द जो गुड्स होते हैं वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया या फिर बेसिक वेजिटेबल्स या जो भी चीजें होती हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हमें ट्रांसफर, मतलब कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इन केस ऑफ डिसरप्शन देयर विल बी प्रॉब्लम इन द नेपाल, ठीक है। तो इस तरीके से सिचुएशन जो होती है वो आप बता सकते हैं। तो ये सिंपल सिंपल आंसर लिख सकते हैं, बस दो दो पॉइंट हर जगह पे लिख करके काम खत्म कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, डिस्कस इंडो फ्रांस रिलेशन इन लाइट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आप बेसिकली दो चीजों को लिखिएगा, एक तो आप इकोनॉमिक रिलेशंस भी लिखा सकते हैं बट द स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो बेसिकली मिलिट्री वाइज आप बताएंगे एंड मिलिट्री वाइज यहां पर बेसिकली जो है राफेल डील को आपको बताना है कि किस तरीके से राफेल डील हुई और किस तरीके से राफेल डील जो है बेसिकली इंडिया में आई है। इसके अलावा आप यहां पर एक और चीज बता सकते हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन या डिफेंस एक्सरसाइजेस जैसे गरुड़ वगैरह ये सब जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। तो इस तरीके से आप बेसिकली इस आंसर को भी डील कर सकते हैं, दिस विल बी वेरी मतलब क्वाइट सिंपल आंसर। इसके अलावा जब भी आप इसको इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी कंक्लूड करिए तो कंक्लूजन में आप इस चीज को जरूर दिखाइए कि अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वी हैव अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद इन अदर सेक्टर्स ऑल्सो। लाइक अगर देखा जाए कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इंडिया और नेपाल जो है काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन मेंटेन करते हैं और इनफैक्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया और फ्रांस मिलकर के ही स्टार्ट किए हुए हैं। तो इस तरीके से यहां पर बेसिकली दिखा सकते हैं द पोलिटिकल सिस्टम, द सोशल सिस्टम, दे आर एक्चुअली हैविंग अ कॉमन, दे आर हैविंग अ काइंड ऑफ म्यूचुअल रिलेशन। तो ये अगेन जो है इन सब चीजों को यहां पर आप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, देखिए थोड़ा सा और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहां पर है कि ब्रीफली डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल। तो देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, इस बिल के बारे में पता होना चाहिए, इसके प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए एंड विद दिस प्रोविजंस आप जो है यहां पर सोसाइटी और इकोनॉमी पे बता दीजिए किस तरीके से इंपैक्ट हो रहा है, दैट्स ऑल। इसमें कुछ और ज्यादा खास करने की ऐसा जरूरत नहीं थी। आप बिल्स को पढ़िए, अगर आप जैसे एपीओ वाले लोग हैं तो ऑब्वियसली जो है आपने बिल का जो भी बिल है उसको रीड किया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बी में सीधे पूछा गया है गिग इकोनॉमी के बारे में। गिग इकोनॉमी का मतलब कुछ नहीं होता है, दिस इज एक्चुअली अ शेयरिंग इकोनॉमी। शेयरिंग इकोनॉमी का मतलब एक तरीके से जैसे ओला उबर होके रखा हुआ है या फिर फूड पांडा वगैरह हो गया, तो इसमें वही चीज है कि यहाँ पर फ्रीलांसिंग टाइप की चीज है कि जो जनता है वो अगर चाहे तो शेयरिंग कर सकती है, जा करके वहां पर एम्प्लॉयमेंट कर सकती है। तो इस तरीके से काइंड ऑफ जो है एक फ्री रिलेशन मेंटेन किया गया जहां पर कोई भी आपको अलग से एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है, यू आर फ्री टू लीव, यू आर फ्री टू ज्वाइन, दोनों ही केसेस यहां पर हो जाती है शेयरिंग में। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ द कार्स, ये सभी चीजें गिग इकोनॉमी के ही अंतर्गत चली आती हैं। तो ये तो आपने बता दिया कि एक्चुअल में क्या है गिग इकोनॉमी। अब इसके बाद से बेनिफिट्स और इसके चैलेंजेस आपको बताना है। तो बेनिफिट्स आप सिंपल बता देंगे, दिस विल बी ये जो है काफी अच्छा रिसोर्स की जस्टिफिकेशन हो जाएगी, काफी अच्छे से जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कोई भी कंपल्सन नहीं रहेगा, फ्री विल रहेगी, इनफैक्ट डिमांड बेस्ड है, तो सीधी सी बात है लोग ज्यादा से ज्यादा अपना 100% देने की कोशिश भी करेंगे, आउटपुट मैक्सिमाइज होगा क्योंकि अगेन कॉम्पिटिशन काफी अच्छा रहेगा।
चैलेंजेस के बारे में बोल देंगे कि यहाँ पर देखिए जो लेबर लॉज हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है इसको लेकर के। इनफैक्ट अभी रिसेंट में जब प्रॉब्लम हुई थी और ओला उबर को लेकर के प्रॉब्लम हुई थी तो वहां पर ये बोला गया था कि व्हाट एग्जैक्टली द उबर इज प्रोवाइडिंग। तो उबर हैज सेड दैट वी आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग अ सर्विस ओनली। तो यहाँ पर ड्राइवर भी अपने मनमर्जी से आते हैं और जो ट्रेवलर है वो भी अपने मनमर्जी से ही आते हैं, दोनों आपस में कंसेंसस के थ्रू फिर चलाते हैं और मैं कुछ नहीं करता हूं, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफॉर्म वेयर दीज टू पीपल कम एंड मेक अ कंसेंसस, दैट्स ऑल। तो ये बेसिकली चीज होती है जो कहीं ना कहीं लॉज भी यहां पर मिसिंग हो जाते हैं। तो इस वजह से इट इज अ वेरी बिग चैलेंज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर दोज काइंड ऑफ स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज या जो भी कुछ है। तो यहाँ पर बेसिकली आप चैलेंज के बारे में भी दिखा सकते हैं, लाइक लेबर लॉज हो गया, एक्सप्लॉयटेशन का केस हो सकता है या फिर जो है टैक्स कल्चर का भी केस हो सकता है। तो इस तरीके से मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी रॉन्ग डूइंग्स हो जाती हैं या कोई भी मतलब मान लीजिए कि जो होता है इशू हो जाता है तो अगेन जो होती है कौन पार्टी बनेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट विल बी द थिंग विच नीड टू बी डिस्कस्ड बाई इंडियन जुडिशियरी। इसके अलावा अगर बात करें इज इंडियन इकॉनमी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो आप बोलेंगे यस इंडियन इकॉनमी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज नाउ वी आर फोकसिंग ऑन मोर ऑन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज आर नाउ फोकसिंग या आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स गिग इकॉनमी बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मशीनरी। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर शेयरिंग हो जाती है और शेयरिंग के माध्यम से ही लोग जो है आपस में देख लेते हैं। तो इस तरीके की क्वेश्चन को बहुत इजीली आप डील कर सकते हैं, बस आपको क्या है कि कंटेंट रेडी होना चाहिए आपका। और इनफैक्ट जैसे ये सब क्वेश्चन जो है काफी ऑब्वियस क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम में लिख रहे होंगे तो मतलब इजिली जो है जो पॉइंट्स है आपके माइंड में पॉपअप करने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एआई एंड डिस्कस इट्स एथिकल इश्यूज। अब देखिए जो एआई बेसिकली ये बोला क्यों गया, क्यों क्वेश्चन आया है, इसलिए क्वेश्चन आया है कि जो ऑटोमेटिक कार है या कह लीजिए जो ड्राइवरलेस कार्स हैं उनके द्वारा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के कारण से अगेन लीगल पार्टी हो गया कि आखिर में कौन बनेगा। तो उस समय जुडिशरी ने यह बोला था कि जो भी कार का डेवलपर है या फिर जो एआई या मशीनरी का डेवलपर है वो बेसिकली पार्टी बनेगा एंड द केस विल बी ट्रायल्ड बेस्ड ऑन दैट। तो यहां पर बेसिकली आप इसी सिस्टम को डिफाइन कर देंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप डिफाइन कर देंगे, इसके बेनिफिट्स को आप भी मतलब पॉइंट फॉर्मेट में दिखाना चाहे तो आप दिखा सकते हैं। बाकी एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व होने में आप सिंपल से बता सकते हैं कि यहां पर जो है ह्यूमन की एम्प्लॉयमेंट पे एक खतरा हो जाता है बिकॉज वी डू नॉट हैव मच स्किल्ड लेबर इन आवर इंडस्ट्री एंड दैट इज वाई द पीपल हु आर देयर और हु आर सेमी स्किल्ड दे मे लूज देयर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, दे मे लूज देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और उसके कारण से अगेन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग ये हो सकती है कि अगर मान लीजिए कि थिंग्स में गो रॉन्ग और सम एक्सीडेंट टुक प्लेस या कुछ भी अगर अनहोनी हो जाती है तो हु विल बी द पार्टी बिकॉज एआई इज जस्ट लाइक अ मशीन और अगर मशीन में कोई चीज होती है तो यू कैन नॉट मेक एनी मशीन एज अ पार्टी, तो हु विल बी द पार्टी थिंग। तो यहां पर एक और ये बहुत बड़ा एथिकल इशू आ जाता है। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज होंगे जो अगेन आप डिस्कस करके इनको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B के बारे में आ जाइए, तो हाउ अ कॉमन मैन कैन गेट द बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन एज दे हैव बिकम हाईली कमर्शियलाइज्ड। देखिए यहां पर बेसिकली जो है इनोवेशंस के बारे में, साइंटिफिक इनोवेशंस के बारे में बताया जा रहा है। लाइक अगर कोविड प्रॉब्लम के बारे में ही बात करें तो कोविड को लेकर के कई सारी चीजें बनाई गई हैं, लाइक सैनिटाइजर्स हो गए या फिर अगर देखा जाए तो जो सैनिटाइजिंग मशीन आ गई है या फिर जो एयर रूम सैनिटाइजर मशीन है जिसको लगा देने पर तुरंत जो है सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अगेन जो होती है ये सब जो साइंटिफिक इनोवेशंस की गई है दे आर बीइंग डन कंसीडरिंग दैट सिस्टम जो है वो एक सोशल भावना से की गई है, सोशल वेलफेयर के लिए की गई है, लेकिन अगेन जो है उसका कमर्शियलाइजेशन कर दिया जाता है, जो कंपनीज है उस पर अपना पेटेंट ले लेती हैं और इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल वेलफेयर के लिए चीज की गई थी वो कमर्शियलाइज हो जाती है। तो यहाँ पर इस चीज को आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मास्क हो गया, मास्क भी जो है N95 अगेन इट हैज बीन कमर्शियलाइज्ड। तो कहीं ना कहीं आप इसको पेटेंट से जोड़ करके लिख सकते हैं और साथ ही साथ आप दिखा सकते हैं कि ये जो इनोवेशंस किए जाते हैं वो ऑलरेडी जब डेवलपमेंट की जाती है तो मैल इंटेंशंस के साथ की जाती है कि जैसे ही इफ डेवलपमेंट टुक प्लेस देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक अ पेटेंट हियर एंड बेस्ड ऑन दैट पेटेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लॉइट द पीपल। तो ये बेसिकली जो सोशल वेलफेयर के लिए चीज है वो कहीं ना कहीं जो है कमर्शलाइज सिस्टम में बदल जाती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते थे। इसके बाद लिखा गया शॉर्ट नोट लिखने को आ गया था। तो शॉर्ट नोट में देखिए 5 कुछ शॉर्ट नोट है।
सिंपल ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। प्रिसीजन मेडिसिन, जैसे यहां पर आप जो है डीएनए एडिटिंग को लिख सकते हैं, जैसे प्रिसीजन मेडिसिन में यही है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम, कोई भी नर्व या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ सर्जरी एंड डिस्टर्बिंग द अदर एलिमेंट्स, केवल और केवल एक छोटे से जीन को या फिर मान लीजिए कि कोई सिस्टम के जरिए हम केवल और केवल उतने एरिया की ही सर्जरी करें, उतने एरिया को ही देखें और उसी एरिया को ठीक कर दें, दैट्स ऑल। जैसे अभी रिसेंट में ही एक जो है फ्रॉग एलिमेंट के बेसिस पे एक, मतलब कह लीजिए कि जो है एक रोबोटिक एलिमेंट बनाया गया था। वो एलिमेंट बेसिकली क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो उस मतलब जो रोबोट है उसके जरिए वहां पर भेज कर, जहां डिफॉल्ट हुई है, जहां प्रॉब्लम हुई है, वहां पर भेज करके उस चीज को सर्जरी कर लेगा या फिर वहां पर जो भी प्रॉब्लम हुई उसको सही कर देगा। और इस तरीके की जो चीज होती है वो बेसिकली होती है प्रिसीजन मेडिसिन। तो आप सिंपली यहां पर जो होती है प्रिसीजन मेडिसिन लिख सकते हैं कि विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन द प्रॉब्लमेटिक एरिया या जो भी जो है डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो उसको ही प्रिसीजन मेडिसिन कहते हैं। और सिंपली जो है आप डीएनए या फिर जीन एडिटिंग का सहारा लेकर के इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल बेसिकली वो होती है जो 51% जहां पर भी गवर्नमेंट की ओनरशिप है, वहां पर अगर अपने 51% को ये लूज कर रही होती है और अपने आप को कन्वर्ट कर देती है फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट पार्टी या फिर प्राइवेटाइज कर देती है, तो इस तरीके की जो बड़ी सेल होती है उसी को बुलाता है स्ट्रैटेजिक सेल। जैसे रिसेंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे पीएसयूज को इस तरीके से डिस इन्वेस्ट किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट द स्ट्रैटेजिक सेल हैज बीन डन। तो सिंपली आप स्ट्रैटेजिक सेल भी लिख सकते हैं। डिजिटल इंडिया, मेरे ख्याल से बताने की आपको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो है डिजिटल इंडिया जो है एक स्कीम लॉन्च की दी गई है, जिसके तहत जो है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे जितने भी इनफैक्ट वेबसाइट्स, जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स है या कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, तो सबको सबको डिजिटल कर दिया जा रहा है। जैसे अगर कोर्ट के बारे में भी बात करें तो कोर्ट की भी चीजों को अब डिजिटल किया जा रहा है, साथ ही साथ जो है जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनको भी डिजिटल कर दिया गया है। नेपा वायरस, सिंपल आप बता देंगे कि ये मलेशिया से निकल करके आया हुआ वायरस है, जो कि 2003 में वेस्ट बंगाल में निकला था और रिसेंट में 2019 में ये निकला हुआ है केरला से। और इस तरीके से ये जो है काफी डेडली वायरस है, लोग इससे काफी ज्यादा परेशान है और इससे डेथ हो जा रही है, क्योंकि ये वायरस अगेन कह लीजिए इसका कोई भी जो है क्योर नहीं है, इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। ये वायरस फैलता कैसे है तो आप बता देंगे, फ्रूट बैट के जरिए फैलता है। लास्टली एक और चीज है उरकुंड। उरकुंड कुछ नहीं है, दिस इज बेसिकली अ प्लेजरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर। तो प्लेजरिज्म मतलब जो भी कॉपी पेस्ट किया जाता है उसको चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बेसिकली चेक करता है, तो दैट्स ऑल यहां पर इस चीज को लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर भी शॉर्ट नोट लिखने को है और काफी छोटे छोटे मतलब सिस्टम है, नियर अबाउट 30 वर्ड में आपको ये लिखना था। फर्स्ट थिंग इज द एक्वापोनिक्स। तो कुछ नहीं है, एक्वा मतलब होता है पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं और पोनिक्स का मतलब होता है जो वेजिटेशन होती है। इन दोनों को एक क्यारियों में, मतलब कि इन दोनों को एक ब्लॉक में रख दिया जाएगा जहां पर एक्वा कल्चर भी अपनी फ्लरिश हो रही होगी, साथ में पॉनिक्स भी कल्चर हो रही होगी, हाइड्रोपॉनिक्स बेसिकली। तो इन दोनों में होगा क्या कि आपस में ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में आ जाएंगे। म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि एक्वा यहां से बेसिकली अमोनिया निकलेगी, क्योंकि ये जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली अमोनिया से रिलेटेड होते हैं और अमोनिया से नाइट्रोजन मिल जाएगा, एंड द पॉनिक्स और द जो भी हाइड्रा प्लांट है वो बेसिकली नाइट्रोजन NPK की जरूरत होती है। PNK वी कैन मेंटेन थ्रू प्रोवाइडिंग थ्रू द एक्सटर्नल एजेंट्स, बट नाइट्रोजन इट रिक्वायर्स थ्रू नेचुरल मींस। और इस तरीके से यहां पर दोनों के दोनों सिंथेटिक, मतलब कह लीजिए दोनों के दोनों म्यूचुअल रिलेशंस में आ जाएंगे और इस तरीके से यहां पर जो है काफी अच्छा एक प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। दूसरी जो चीज है वो इंटेलाइट्स है। इंटेलाइट्स कुछ नहीं है, ये 3D ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है जो कि रिसेंट में मोहाली में लॉन्च किया गया है। तो बस एक सिंपल लाइन लिख सकते हैं कि दिस इज द 3D AI बेस्ड ट्रैफिक सिस्टम विच हैज बीन लॉन्च्ड इन द मोहाली स्टेट ऑफ हरियाणा। फिर इसके बाद से पोर्ट ऑफ कॉल के बारे में बता देंगे कि एक जो होता है पोर्ट होता है जो कि बेसिकली केवल और केवल कमर्शलाइज्ड जो शिप्स होती है उनके लिए होता है और यहाँ पर जो है एक तरीके से कह लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीजें की जाती हैं। नेक्स्ट आप बता देंगे COP25 को लेकर के एक्चुअल में क्या था, जिस COP25 इज UNFCCC, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो ये जो UNFCCC की COP मीटिंग 25 है, ये बेसिकली पहले चिली में होने वाली थी लेकिन वहां पर कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया था जिसके कारण से ये मैड्रिड में इसको फाइनली कंक्लूड किया गया था, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कंक्लूड किया गया था। हालांकि यहां पर जो है जो कंसेंसस, मतलब जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि COP
जो 21 है पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में जो चीज की गई थी उसके ऑब्जेक्टिव्स को ले डाउन करना था, लेकिन अगेन कोई भी कंसेंसस नहीं बना और ये जो मीटिंग थी, ये जो समिट थी, वो बेसिकली बिना किसी कह लीजिए कि जो है डिसीजन के खत्म हो गई। तो यहां पर ये चीज लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है वो स्पेस एक्स का एक मिशन है। स्पेस एक्स वही रियल आयरन मैन दैट इज एलन मस्क, और इन्होंने जो है बेसिकली ग्लोबल वर्ल्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए इन्होंने सैटेलाइट का एक कंस्टेलेशन भेजा हुआ है, और इस तरीके से ये इंटरनेट को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। स्पेसएक्स ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि बेसिकली कह लीजिए कि जो होता है कनाडा बेस्ड है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में मुझे नहीं लगता है कुछ भी आपको बताने की जरूरत है, आप डे टू डे देख ही रहे हैं तो आप बता देंगे सिंपल कि ये जो होता है एक डेडली वायरस है जो कि बेसिकली, अब आप ये नहीं बताएंगे कि आर्टिफिशियल है या फिर क्या चीज है, नेचुरल है, नो, बिकॉज यहाँ पर कोई भी चीज जो होती है वो कंफर्म नहीं है। तो आप बता देंगे एक ऐसा वायरस है जो बेसिकली सार्स का वापस से कह सकते हैं रीइवोल्यूशन, आप कह सकते हैं 2003 में सार्स फैला हुआ था और बेसिकली उसी का ये रीइवोल्यूशन है, ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और काफी ज्यादा जो है डेडली वायरस है बिकॉज ये रेप्लिकेट कर रहा है। अभी तक इसके 13 स्ट्रेन खोजे जा चुके हैं। तो ये सब चीजें इंफॉर्मेशन आप डे टू डे न्यूज़पेपर में देखते होंगे और उसी चीज को यहां पर लिख देना था। फिर उसके बाद से एम्फन है। एम्फन के बारे में आप बता देंगे, दिस इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन विच एक्चुअली हैव जनरेटेड इन अरेबियन सी एंड बिकॉज ऑफ दिस एम्फन वेरी डिजास्टर सिचुएशन हैज बीन हैपेंड इन मुंबई एंड दमन एंड दीव। तो यहां पर जो होती है प्रॉब्लम कई सारी फेस करनी पड़ी थी, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अरब सागर में हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कुछ नहीं है जन आरोग्य योजना, आप सिंपल यहां पर बता देंगे कि जो जन औषधि केंद्र होती है वो इन्हीं के थ्रू खोली जा रही है, और साथ में साथ जो 5 लाख वाली बीमा होती है उसको भी इसी के अंतर्गत में किया जा रहा है। तो बेसिकली यही आप सिस्टम दिखा देंगे यहां पर। नेक्स्ट है वेव समिट। वेव समिट का मतलब है यहां पर वेस्ट मैनेजमेंट एंड एक्सेलरेटर फॉर एस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो बस ये वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जो है एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन थी जो बेसिकली वुमेन को फोकस कर रही थी। ये लॉन्च किया गया है MHRD के द्वारा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कोट दिस मिनिस्ट्री। इसके अलावा AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। लास्टली आप बता देंगे कार्टोसैट के बारे में कि ये इसरो की मिशन है जो कि बेसिकली जो होती है वो कार्टोग्राफी के लिए ली गई है। कार्टोग्राफी का मतलब कि जो है एक तरीके से जो लैंड की जो भी अवेलेबिलिटी सर्वे है उसको करने के लिए किया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर बता सकते हैं दिस इज बेसिकली इंसेट बेस्ड का मतलब हो गया ये रिमोट सेंसिंग है, और ये कह लीजिए कि जो है वो जियो सिंक्रोनस है, ठीक है, सॉरी सन सिंक्रोनस है, दिस इज एक्चुअली सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो ये बेसिकली आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। काफी टेक्निकल पॉइंट ही केवल आपको लिखने हैं और टू द पॉइंट लिखना है क्योंकि वर्ड्स आपकी लिमिट है और अगेन टाइम लिमिट भी बहुत बड़ी चीज होती है। इसके बाद से फुल फॉर्म के बारे में है। फुल फॉर्म आप लोग सिंपली देख सकते हैं, सबका चीज यहाँ पर गूगल से उठा करके लिख दिया गया है और देख सकते हैं आप सारे के सारे इन्फॉर्मेशन और अपनी आंसर मैच कर सकते हैं, दैट्स ऑल यहाँ पर। बाकी इसके बाद से है कि कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो अगेन यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो मेकिंग एडवर्क दिस इज अभिजीत बनर्जी, अगेन इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कागज की नाव नसीरा शर्मा, द मोमेंट लिफ्ट मेलिंदा गेट्स, माई जर्नी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक्चुअली, वी आर डिस्प्लेस मलाला यूसुफजई ने लिखा है। मतलब आप तो ये नाम से ही पकड़ सकते थे कि इसके द्वारा लिखा गया होगा। इसके अलावा देखिए ये कुछ ट्रॉफीज भी हैं, ट्रॉफीज के बारे में भी लिख दिया गया है, तो आप इसको भी मिला सकते हैं अपने आंसर से। यहाँ पर कुछ भी डिस्कशन करने को नहीं है, दिस इज क्वाइट सिंपल थिंग हियर। फिर उसके बाद से इन विच फील्ड हैव द फॉलोइंग पर्सन अचीव्ड फेम, तो यहाँ पर देखिए अगेन दिस इज क्वाइट ऑब्वियस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं और सबके सब जो है वो न्यूज पेपर में करंट अफेयर्स में बने हुए थे। जैसे पहला ही है स्वामी स्वामीनाथन, ये जो है बेसिकली चीफ साइंटिस्ट एट WHO, तो WHO में ये चीफ साइंटिस्ट जो है लॉन्च हुई थी और काफी ज्यादा इसका न्यूज़पेपर में कवरेज किया गया था। फिर उसके बाद से पिनाकी चंद्र घोष है, ये बेसिकली फर्स्ट लोकपाल है, इतने समय के बाद में पहले लोकपाल बनाया गया है। हिमा दास, ये धिंग एक्सप्रेस भी इनको बोला जाता है। इनफैक्ट UPPCS जो मतलब एग्जाम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम होता है, अपर एग्जाम होता है, उसमें ये 2018 में पूछा गया था। तो ये बेसिकली इंडियन एथलीट है। फिर इसके बाद से मोहना सिंह है। मोहना सिंह जो है फर्स्ट जो फीमेल फाइटर पायलट, ये मतलब इनको अप्रूवल मिला है और इन्होंने पहली महिला पायलट है। फिर उसके बाद से अभिनंदन वर्तमान, तो ये बेसिकली इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। विंग कमांडर अगेन जिनको लेकर के पूरी पिक्चर ही बन गई।
आगे अगर देखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन बाय द फॉलोइंग, इनका मतलब क्या है, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कुछ नहीं है, बता देंगे कि ये जो है 2015 से लेकर 2030 तक के लिए गोल बनाया गया है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें कुछ 17 गोल्स और 169 टारगेट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू एक बेटर फ्यूचर अचीव करने की बात कही जा रही है। फिर है जीआई टैग, जीआई टैग मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। फिर अगेन बता देंगे किसी एरिया की जो भी इंडिजिनस वहां की कोई भी कोई खास चीज होती है तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है, जिससे कि वहां की जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड फेम पा जाता है और इससे काफी फायदा हो जाता है। ट्राइफेड के बारे में आप बता देंगे, दिस इज अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और ये बेसिकली ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, संस्था काम करती है। फिर उसके बाद जीन साइलेंसिंग के बारे में बता देंगे कि जैसे हमारे जो ब्लड सेल्स होती हैं उसमें ए टी जी सी ये कह लीजिए कि जो होता है डीएनएज होते हैं, इन आवर जो भी डीएनए होती है उसमें जो होती है ये ए टी जी सी जो है वो डीएनए होती है, एडिनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन। अगर मान लीजिए कोई भी डीएनए अगर मेल फंक्शन कर रहा है, प्रॉब्लम कर रही है, तो उसको कटपिट नहीं किया जाता, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको बस साइलेंस कर दिया जाता है, जस्ट यहां पर जाकर के इसको जीन एडिटिंग कर दी जाती है और ये की जाती है क्रिस्पर कैस नाइन से। तो दिस इज हाउ द जीन साइलेंसिंग इज बीन डन। तो बस सिंपल आप इसका मतलब बता देंगे कि जो भी कुछ डेडली डिसीजेज होती हैं, वो जो जेनेटिक डिसीजेज होती हैं, उनको इस तरीके से बात की जा रही है करने की, अभी तक ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। कालापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट, अगेन इंडिया नेपाल के बारे में डिस्प्यूट, जो हम लोगों ने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया है, बस वही चीज यहां पर भी लिख देनी है। कालापानी के बारे में बता देंगे, महाकाली रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है इंडिया में। आगे अगर बात किया जाए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एपीओ एग्जाम, यहां पर है ब्रीफली डिस्कस रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन प्रोग्राम इन इंडिया। अगेन यहां पर बता देंगे कि इंडिया का जो रिन्यूएबल प्रोग्राम है उसके बारे में, यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में अगर आप बताएंगे तो दिस इज व्हाट, यहाँ पर जो है सोलर मिशन है हमारे पास जिसके लिए 100 गीगावाट का प्लान रखा गया है, फिर है विंड है जिसके लिए अगेन 60 गीगावाट का प्लान रखा गया है, फिर है बायोमास सॉरी हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट के लिए 60 रखा गया है, फिर आपकी जो यहाँ पर सिस्टम है, विंड के लिए 10 रखा गया और फिर बायोमास के लिए 5 गीगावाट रखा गया। दिस इज आउट ऑफ 175 गीगावाट एनर्जी नीड टू बी अचीव्ड बाई वॉट 2022 तक ये अचीव करने की बात कही जा रही है। तो ये एक रिन्यूएबल प्लान के बारे में आप बता सकते हैं, दिस इज हाउ द थिंग इज गोइंग ऑन इन इंडिया। इसके अलावा सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स भी लगाए जा रहे हैं, इसको भी आप बता सकते हैं अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्लान के एक्सपेंशन प्रोग्राम के ही अंतर्गत। लास्टली क्वेश्चन गया है कि डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स ट्रेंड इन डिजास्टर मैनेजमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। कुछ नहीं करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना है, यू हैव टू कोट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे बताना पड़ेगा कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक में हम लोगों ने एक फोर्सेस भी बना के रखी हुई है और एक डिपार्टमेंट बना के रखा गया है जिससे कि जो डिजास्टर का मैनेजमेंट है उसको किया जा सके। बाकी उसके बाद से ट्रेंड इन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप बताएंगे तो ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म्स मतलब कि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स आ रही हैं, चाहे वो हुदूद हो, फैलेन हो, एम्फन हो, कुछ भी हो, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, फनी हो गया तो दिखाना पड़ेगा ये सब, पहली चीज। दूसरी चीज अगेन डिजास्टर्स में अगर आ जाता है जो फ्लड आई हुई है, जैसे असम में फ्लड आई हुई है तो इसके बारे में, बिहार में फ्लड आई हुई है तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा, दिस अगेन कम्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। तीसरी चीज अर्थक्वेक को लेकर के आप बता सकते हैं, लैंडस्लाइड को लेकर बता सकते हैं, तो ये सब बेसिकली व्हाट इट ऑल दिस थिंग्स आर, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर डिजास्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजास्टर इज नोन एज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सिंपल ही क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ मैं कहूंगा खास नहीं था, बस इसमें जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी वो थी टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज काफी ज्यादा लेंदी पेपर है, लिखने को भी काफी कंटेंट है, लेकिन टाइम अगेन जो होती है एक बड़ा बैरियर है, तो इसको इफेक्टिवली लिखना, इंट्रो, फिर उसके बाद बॉडी, उसके बाद से कंक्लूजन, ये लिखना थोड़ी सी मैं कहूंगा कि चैलेंजिंग थिंग थी, लेकिन अगेन अगर आप करना चाहें, प्रैक्टिस रहेगी तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप इन चैनल्स का यूज कर सकते हैं, ईमेल, फेसबुक, ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग लॉ जुडिशियरी को लेकर के एक फुल फ्लेज्ड कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, विद इन 1 to 2 days द वीडियोज विल बी पब्लिश ऑन द YouTube चैनल रिकॉग्निशन IAS। यहाँ पर आप आकर के देख सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को और बेटर तरीके से कर सकते हैं, और अगर हमारे लिए कोई सजेशन हो तो ऑब्वियसली इन चैनल्स में जाकर के अपने सजेशंस को कोट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपके जुडिशरी के वीडियो में, जुडिशरी के वीडियो जो है दूसरी मैम लेंगी, और होप कि आप लोगों को बेटर एक गाइडेंस मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन भी बेटर तरीके से होगी। तो मिलते हैं उन्हीं सारे वीडियोस के साथ, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।